नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे हैं TNN रेडियो। आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 1334 नए मामले सामने, 27 लोगों की हुई मौत। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरह की ढील देने से दिया इनकार, कहा स्थिति खराब हुई तो खुद को नहीं कर पाऊंगा माफ। उत्तर प्रदेश सरकार देगी 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार। गृह मंत्रालय का आदेश, लॉकडाउन में फ्लिपकार्ट अमेजॉन नहीं बेच पाएंगे कोई भी गैर जरूरी सामान। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में अब तक हो चुकी है 1,60,000 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल मरीजों की संख्या 15,712 पहुंच गई है, 507 की मौत हुई है, जबकि 2,231 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। 23 राज्यों के 54 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस दौरान ICMR ने कहा कि अब तक 3,86,000 टेस्ट हुए हैं, करीब 8,000 टेस्ट निजी लैब में भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 28 दिन में पुडुचेरी के माही और कर्नाटक के कोडगु में एक भी केस नहीं मिला। अब इस सूची में बरेली, गया, कचार समेत 10 नए जिले जुड़ गए हैं। हमारी कोशिश है कि इन जिलों में कोई नया केस नहीं आए। संक्रमण को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोई भी छूट नहीं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में ढिलाई दी और स्थिति खराब हुई तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। हमने फैसला किया है दिल्ली वालों की जिंदगी का ध्यान रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद दोबारा स्थिति पर विचार करेंगे। CM केजरीवाल ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं उनमें छूट फिलहाल नहीं देनी चाहिए क्योंकि वहां पर स्थिति खराब है। केंद्र सरकार के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी कोर टीम के साथ बैठक में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार कराने की तैयारी कर ली है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब 1.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार मुहैया कराने की योजना पर मोहर लगाई दी है। इसके लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव MSME तथा प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में संशोधन किया। इसमें कहा गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जारी दिशा निर्देशों में कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं और यहां तक कि गैर जरूरी सामान भी बेच सकती हैं। इस संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से रविवार को जारी संशोधित निर्देश के मुताबिक मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े नियमों से इस खंड को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि ई कॉमर्स कंपनियां और उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले वाहन जरूरी मंजूरी के साथ 20 अप्रैल से परिचालन कर सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया में 1,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 2/3 लोग यूरोप में रहते हैं। आज दुनिया भर के
23,31,318 एक्टिव मामलों में से 1,60,502 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 1,00,000 मौतें सिर्फ यूरोप में ही हुई हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 39,090 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में 23,227 लोगों की मौत हुई है, वहीं ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 15,464 तक पहुंच गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 514 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में बीते 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,993 पहुंच गई है, जबकि 159 लोगों की जान गई है। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप सुन रहे थे TNN रेडियो। धन्यवाद।